नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। जी हां, बॉस 2013 का आगाज हो चुका है। इसी कड़ी में एसएमबीसी इनसाइट की टीम पहुंची छतरपुर और जाना क्या है वहां का हाल। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको छतरपुर के एक ऐसे क्षेत्र में जहां विकास तो हुआ मगर क्या है वहां की जनता की उस विकास से संतुष्ट है। आइए जानते हैं क्या है वहां की वास्तविक हकीकत। ऑपरेशन विधायक। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांवों का दौरा एसएमबीसी इनसाइट की टीम ने किया। दौरे के दौरान जो हमने देखा, सुना और जाना वो वाकई में चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां की जनता ने तो वहां की मुखिया पर ही कई आरोप लगा दिए। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या है वहां की पूरी कहानी। देखा जाए तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर विधायक रेखा यादव के ऊपर कमीशनखोरी व भ्रष्टाचारी का आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो विधायक जी ने 5 साल पहले जनता से वादे किए थे उन पर कभी अमल ही नहीं किया। कभी इतने आई नहीं है, राशन कार्ड बट रहा सो इडी तिड़ी बेई बेई बन जाते हैं, कौन मास्टर बन गया कौन कौन बन गया सो इन्हें बात तिड़ी दी, कोई ने बच्चा ने ढंग से खा भी ना, कोई हिसाब ही नहीं है, तब भूल भूल पड़ा, कोई जांच के दान नहीं आया, सुन साहब नहीं है साहब। बिदाजी से आपने सुना, बिदाजी आई कहूँ आप लोगों ने पहाड़ दर समस्या डाल, नहीं आई, नहीं आई साहब, इतने आई नहीं है। हमारे विधायक जी रेखा यादव आई है ना, तो उन्होंने तो पूरी पंचवर्षीय का करवा कुछ नहीं करवा हुआ। आई हैं थे? इतने नहीं आई हैं, एक बार आई थी सो ऐसी बैठी बैठी चली गई। अब का है मालूम, दोबारा टिकट मिल रही, भाजपा टिकट दे रही तो का करो की को मिल रही, मालूम दोबारा टिकट मिल रही होने, अभी वोट मांग भी वोट मांग रहे हैं, तो अब तो जनता पे जा जाने। विधायक जी रहे हैं, सुनने कछु ने कहो, और देखो ये फैब ही आ रही है, फैब ने मांगने वोट है, अब जैसे जनता जाने सब जाने सुबह सो हो जाए। आप तो अब का काम विकास करो, उन्होंने अरे तो उन्होंने कछु ने कहा हुआ ना, कुछ ना तो सुनावा ना, मैं उन्हें आइए देख रही तक, ये पैसा बट गया, और देखो ये सोयाबीन सड़ गया, सोयाबीन सड़ गया। तो जनता में आक्रोश है वहां के विधायक साहिबा के काम को लेकर जो उन्होंने अब तक नहीं किया। जनता का कहना है कि 5 साल पहले जब चुनाव आए थे तब उन्होंने वादे बहुत किए मगर उन वादे अमल में नहीं आए, यही है वहां की वास्तविक हकीकत। क्योंकि जनता को वो सारी चीजें सुविधा मुहैया नहीं करा पाए विधायक साहिबा जो उनका फर्ज था करवाना। अब इस दौरान जब एसएमबीसी इनसाइट की टीम वहां पर दौरा कर रही थी तो वहां पर कुछ विधायक के समर्थक भी मिले जिन्होंने बड़े बड़े कसीदे फड़े पढ़े विधायक साहिबा की उसमें तारीफों में। तो आप सुनिए क्या कह रहे हैं वो लोग। किसी भी समस्या के लिए गांव में विधायक जी ने पूरे 5 साल सुध भी नहीं ली। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक जी ने कभी भी विधानसभा क्षेत्र के गांव में ग्रामीणों से संपर्क नहीं किया और न ही उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की। रेखा यादव यदि दोबारा क्षेत्र में वोट मांगने जाती हैं तो पूरी जनता उनके खिलाफ है और ग्रामीणों में उनके प्रति खासा आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं इक्का दुक्का गाँव में रेखा यादव के समर्थक भी मिले जो विधायक के लंबे लंबे कसीदे पढ़ते देखे गए। उनका साफ कहना था कि विधायक रेखा यादव ने अपने हिसाब से क्षेत्र में पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सराहनीय कार्य किए हैं। हमारे यहाँ जो काम हमने जितने करवाए हैं हमें पूरे किए हैं, और स्कूल है, रोड है, और सब मतलब संतुष्ट हैं बिराज जी के काम से। आप हम संतुष्ट हैं जी के काम इनसे मनो है तो 95% और 99%, मगर संग संग थोड़ी उनके जो संगी साथी रहे लोगों ने भी कार्य में इतना बाधाएं और दुष्कर्ण आई, बाकी हम लोग सब संतुष्ट हैं, अच्छी कार्य करी उनने और हर समय सीमा पे गांव ग्राम में भी गई। बस और तीस कैसे का दान है कहाँ बताएं आप, ऐसे कोई निर्माण कार्य निर्माण काम उनने हमने तीन बताया, हमारे तीन ही कराए। कौन कौन? एक तो कराया हमने
समुदाय भवन, दूसरा का है मूल दुकान, तीसरा का है चबूतरा, तो तीन ही काम हमारे। अगर दोबारा टिकट मिलती है, दोबारा टिकट मिलती है तो पार्टी की ओर से, उनकी ओर से, हम लोग उनके साथ। तो कहानी क्या है पूरी, इसका तो पता बाद में ही चलेगा, क्योंकि आने वाले चुनाव हैं, वो फैसला कर देंगे कि विधायक साहिबा ने वहाँ पर काम किया या नहीं किया। तो एक तरफ कुछ लोग थे जो विधायक साहिबा की चारों तरफ से बुराई कर रहे थे, कहते विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, विधायक साहिबा ने सिर्फ वादे किए और भूल गई सब कुछ। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो विधायक साहिबा की तारीफों में कसीदे पढ़े जा रहे थे, कहते विधायक साहिबा ने बहुत काम किया, रोडें बनवा दी, स्कूल कर दिए, मगर शायद वास्तविक में हमारी टीम वो सब वहाँ पर नहीं देख पाई। तो सच क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता शहजाद खान छतरपुर से। जी शहजाद, जिस तरीके से यहाँ के गांव के लोगों में आक्रोश देखा गया, हमने पहली रिपोर्ट दिखाई उसमें जिस तरीके से लोग वहाँ पर परेशान हैं विधायक साहिबा के कामों से, उनकी जो कारस्तानियाँ हैं, जो उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं किए गए, तो क्या है पूरा मामला? आपने जो वहाँ पर रिपोर्ट ली उसमें क्या मिला आपको शहजाद? आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद शहजाद तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, मगर वास्तविक हकीकत वही है जो हमने आपको दिखाई पहली रिपोर्ट में, और दूसरी रिपोर्ट में जो आपने देखा वो क्या है ये तो हम नहीं जानते, मगर शायद जनता बहुत कुछ जानती है। क्योंकि जब एक तरफ दर्जनों भर गांवों में एसएमबीसी इनसाइट की टीम सर्वे कर रही थी, तो वहाँ दर्जनों भर में 90% लोगों ने सिर्फ यही कहा कि विधायक साहिबा ने कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ नुकसान ही नुकसान किया, वादे किए और चली गई। और लोगों का ये भी कहना था साफ तौर पर कि अब अगर दोबारा विधायक साहिबा यहाँ पर वोट मांगने आती हैं या कहती है कि मुझे अगले वाले चुनाव में जिताइए, तो गांव वालों ने साफ तौर पर उनका विरोध करना ज़रूरी समझा। उन्होंने कहा कि हम उनका विरोध करेंगे और उन्हें आगे जीतने नहीं देंगे। तो इस तरीके से अगर समाज में अगर उन्हें रहना है, समाज में सत्ता में बने रहना, तो उन्हें काम तो करना ही होगा विधायक साहिबा, क्योंकि अब ऐसे काम नहीं चलने वाले जनता को बेवकूफ़ बनाकर। तो शहजाद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। शहजाद, जिस तरीके से वहाँ के लोगों का हमें इनपुट मिला, हमारी टीम ने वहाँ पर पूरा सर्वे किया और टीम वहाँ लोगों ने बोला कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, तो वास्तविक स्थिति है क्या वाकई में? सच्चाई यही है जी शहजाद। जी शहजाद, जो वास्तविक स्थिति क्या है वहाँ की? वास्तविक स्थिति ये है कि वहाँ का आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, और अगर विधायिका की बात कही जाए जी, तो उनका जो रहा पहले वो क्या नाम ये अपने उमा भारती की पार्टी से रहे, वो जनशक्ति पार्टी से जी जी, तो वो उसमें बेचारी परेशान रही, और उसके बाद जो हुआ वो जब इसमें आगे तो काफी देर हो चुकी, तो इस बीच में जनता जो परेशान हुई है, जनता का दुख दर्द देखते हुए वहाँ के अगर चारों तरफ सर्वे किया तो आंसू लेकर जाते उन लोगों को देखकर। शहजाद, यहाँ पर जनता ने फैसला किया है कि अब अगर विधायक साहिबा उनसे टिकट वोट मांगने आएंगी तो साफ तौर पर उनका विरोध करेंगे वो लोग। बिल्कुल करेंगे, जनता का साफ कहना भी है कि वो आएंगे तो हम लोग इनका टोटल विरोध किया जाएगा इनका, और कहीं हद तक इनका वो जो भ्रष्टाचारी जो है इतनी चरम सीमा पे है बड़े मलेरा में खास तौर से कि बड़े बड़े जिनके पास बड़ी बड़ी खेतियां हैं, 10-10, 20-20 एकड़ जमीनें हैं, उन लोगों को राशन कार्ड गरीबी रेखा बल्कि अति गरीबी रेखा के हैं, जिनके ट्रक चल रहे हैं ये और इनके ट्रैक्टर चल रहे हैं। तो शहजाद, जिस तरीके से हमारी टीम वहाँ सर्वे करने गई, वहाँ पर पूरी जो वास्तविक स्थिति का हमने आकलन किया तो एक तरीके से पूरी नेगेटिव थी वो, क्योंकि ना तो वहाँ पर पानी की सही व्यवस्था थी, ना तो वहाँ पर बिजली की सही व्यवस्था थी, ना वहाँ पर चिकित्सा की सही व्यवस्था थी। दर्जनों भर गाँव है वहाँ पर जो विधायक साहिबा के अंडर में आते हैं, उसके बाद भी वहाँ पर उन्होंने कुछ करना जरूरी नहीं समझा जी शहजाद। तो जिस तरीके से वहाँ की वास्तविक हालत है, लोगों में आक्रोश है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में विधायक साहिबा को नुकसान हो सकता है इस चीज का। इसका खामियाजा बीजेपी को और रेखा यादव जी को शायद भुगतना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे लोगों में आक्रोश देखा गया, काम नहीं हुआ, बोलते हैं टिका अब हम वोट नहीं देंगे विधायक साहिबा को, तो आखिर अब जनता आश्वस्त हो कैसे वहाँ पर? जनता शायद इस पार्टी से रेखा यादव से खुश नहीं हो सकती, ये चाहे जितने लोगों ने वादे करें और चाहे जितने का नाम वो अपने हाथ कंधे अपना है, शायद इनका भगवान मालिक है। तो शहजाद, चलिए शहजाद, बड़ी बात यहाँ पर, बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि लोग सत्ता में आने के लिए क्या क्या नहीं करते, जब चुनाव आते हैं तो जाते हैं वोट मांगते हैं हमें जिताइए हमें जिताइए, और वादे होते हैं, लगातार वादे किए जाते हैं, ये वादा वो वादा, और हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, मगर वास्तव में होता क्या है, जब चुनाव जीत जाते हैं तो उस जनता से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रह जाता। वहाँ जनता राशन कार्ड के लिए परेशान है, राशन नहीं मिल पाता प्रॉपर तरीके से, शौचालय की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है,
पानी की व्यवस्था वहां पर नहीं है, तो आखिर इतनी सारी अव्यवस्थाएं क्यों वहां पर विधायक साहिबा के रहते हुए? शहजाद, चूंकि विधायक साहिबा जो है ये वो पहले शिवराज सिंह से की पार्टी से दूर रही, तो शिवराज सिंह ने कहीं इस बात को भंजाया है कि जो हमारी विरोधी पार्टी है, विरोधी पार्टी से टिकट लिया और वहां पर जीत चुकी। तो मेन मकसद, मेन कारण जो रहा रेखा जी का वो यही रहा कि वो बीजेपी से न लड़के जनशक्ति पार्टी से लड़ चुकी थी, और जनशक्ति पार्टी जीतने के बाद उन्होंने शिवराज सिंह ने उस तरफ उन विधानसभा में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और न कोई काम की योजनाएं निकाली। तो यहाँ पर शहजाद कुछ वहाँ पर उनके प्रशंसक भी हमें मिले थे, हमारी टीम को वहाँ पर प्रशंसक भी मिले और उन्होंने बड़े तारीफें करी, तो आखिर वो प्रशंसक कौन थे? सच में वो वहाँ के लोग थे या फिर कोई विधायक साहिबा के ही बंदे? नहीं, वो जो जो जो, जो प्रशंसक थे ना वहाँ पर, वो प्रशंसक हैंगे केवल जनशक्ति पार्टी के, यानी उमा भारती से जो जिनकी नजदीकियां हैं ये वो लोग थे दिखाएं तो सही कि वहां पर हुआ क्या है वाकई में, क्योंकि लगातार कहानियां, झूठी कहानियां गढ़ने से कुछ नहीं होता। या हमारी टीम वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंची तो हमने साफ तौर पर वही देखा जो वास्तविक हकीकत थी। लोग हमें वहां मिले, हमें सारी अपनी समस्याएं बताई और जब हमने उनसे पूछा कि आने वाले समय में आप क्या करेंगे, तो उनका साफ कहना था कि नहीं, हम नहीं जिताएंगे, हम उन्हें वोट नहीं देंगे। तो यही है जो आक्रोश है उनका कि उन्हें वहां पर विकास नहीं मिल पाया, जिस चीज की उन्हें जरूरत थी वो चीज अभी तक नहीं मिल पाई है। जी, जहां तक ज्यादातर उनके समर्थक जो है 75% उनसे विरोध में है रेखा जी के, और शायद अब थोड़ा माहौल बना लें। चलिए शहजाद, आप हमारे साथ इस वक्त लाइन पर बने रहे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज त्रिवेटी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष छतरपुर से। जी मनोज जी, जिस तरीके से बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर रेखा यादव विधायक हैं और वहाँ की जो कहानी हमारी टीम ने वहाँ पर सर्वे किया तो पूरे तरीके से नेगेटिव रिपोर्ट मिली हमें वहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा की हर जगह जहाँ पर भी जाएंगे, चाहे आप छतरपुर जिले में आप बात कर रहे हैं, चाहे वो छतरपुर का बड़ा मलहरा विधानसभा हो, छतरपुर विधानसभा हो, इन लोगों ने जितने इनके विधायक रहे, इन लोगों ने सारे में भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त रहे हैं। ये जो रेखा यादव जी की जिनकी आप बात कर रहे हैं, रेखा यादव जी भी उधर पे बिजली चोरी में और अवैध रूप से शासकीय बंगलों पे कब्जा करने में लिप्त पाई गई थी। इनका जनाधार कुछ था नहीं, जनता के बीच में कभी कोई काम किया नहीं है इनको, जनता ने क्योंकि मनोज जी वहाँ की जनता का साफ तौर पर कहना था कि जब इलेक्शन हुए थे तब ये पहुंची वहाँ पर, उसके बाद ये मुंह दिखाने नहीं आई। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि यदि जनता ने जनप्रतिनिधि को चुना जाता है तो उसको जाकर उधर पे उसकी समस्याएं देखना चाहिए, क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है उनकी जाकर वो करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ पर विधायक गण हैं, ये आप जिनकी रेखा यादव जी की बात कर रहे हैं, तो ये इन्होंने भी जनता के दुख दर्द में नहीं, इनने सिर्फ अपना भ्रष्टाचार किया है और क्षेत्र में कहीं गई नहीं है। ये बिजावर की रहने वाली हैं, ये हमेशा बिजावर में रही हैं या भोपाल में जाकर वहाँ पर अपने बंगले में रही हैं, और कुछ यहाँ पर इनसे क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। आप जाएंगे बड़ा मलहरा विधानसभा की आप सड़कों में देखेंगे, हीरापुर से बक्सवाहा तक इनकी विधानसभा लगती है, 1 घंटे से 1.5 घंटे वो 20 किलोमीटर के सफर लगते हैं। क्या किया इन्होंने? 10 साल से इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने कहीं कुछ किया नहीं है, तो इसका अभी खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा और मध्य प्रदेश की जनता, बड़ा मलहरा क्षेत्र की जनता इनको जवाब देगी। और निश्चित तौर से जो हमारा प्रत्याशी तिलक सिंह लोधी है वो वहां से विजयी होगा। तो विजयी तो वो हो जाएंगे, मगर क्या वो ये आश्वस्त कर पाएंगे वहां की जनता को कि वो जो रेखा यादव ने नहीं किया वो सब करेंगे? देखिए, हम उनकी जो विफलताएं हैं उनके भ्रष्टाचार को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उनसे हम वादे करेंगे कि हम आपको एक जनप्रतिनिधि के तौर पे एक जनता का सेवक देंगे जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगा, ऐसा नहीं करेगा कि जैसा कि इनने इधर की विधायिका जी ने किया है, ऐसे हम उनसे वादे करेंगे, उनके हम वादे पूरे भी करेंगे। तो मनोज जी, वादे सभी करते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, मगर वास्तव में होता क्या है, जब जीत जाते हैं तब जनता को पूरे तरीके से नकारना शुरू कर देते हैं। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस ने, आपने देखा कांग्रेस इधर पे जो भी विकास हुआ, इस छतरपुर जिले में जो भी विकास हुआ है सारा कांग्रेस के टाइम पे विकास हुआ है। इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, स्वयं का विकास किया है, इन्होंने धन दौलत अपार अर्जित की है,
और इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज ये 10 साल से हैं ना, आप देखिए सड़कों की क्या दुर्दशा है, बुंदेलखंड क्षेत्र की कितनी दुर्दशा है। बुंदेलखंड पैकेज में कितना पैसा दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इसकी एजेंसी होती है, इन लोगों ने सारे जितने विधायक मंत्री है इन्होंने बंदर बांट किया और ये पूरा पैसा हजम कर गए हैं। जनता को इस चीज का एहसास हो चुका है और जनता इसको जवाब देगी। चलिए मनोज जी लाइन पर बन रहे हैं इस वक्त हमारे साथ, जुड़ रहे हैं पुष्पेंद्र, जिला महामंत्री बीजेपी। तो पुष्पेंद्र जी, जिस तरीके से आपकी वड़ा मनहरा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर रेखा यादव विधायिका है, तो उन्होंने वहां पर, वहां के जो लोग हैं आक्रोश उनमें बहुत ज्यादा कि उन्होंने वहां पर कुछ भी काम नहीं किया। पुष्पेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी जी, मैं कह रहा हूँ जो वड़ा मनहरा विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव है वहां लोगों में काफी आक्रोश है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर अगली बार विधायिका साहिबा हमसे वोट मांगने आएंगी तो हम नहीं देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो जो घोषणाएं की गई थी वहां पे हमने छोटे छोटे बांध बनाए हैं जिससे लोगों की सिंचाई की जो सबसे बड़ी समस्या थी बक्सवाहा क्षेत्र में और ग्वारा क्षेत्र में जहां पे पानी की काफी समस्या रहती थी उस समस्या को दूर करने का हमने काम किया है। वहां पे हमने 6 नए हाई सेकेंडरी के स्कूल खोले हैं, करीब हमने 300 आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, हाई स्कूल खोले हैं, प्राथमिक पाठशालाएं 100 से ऊपर खोली है विधानसभा बड़ा मलहरा में। तो ये कहना कि हमने वहां पे काम नहीं किया, निश्चित रूप से ये कांग्रेसियों का एक जी बड़ी चीज। पुष्पेंद्र जी यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये बात ना हम कह रहे हैं ना कांग्रेसी कह रहे हैं, ये बात वहां की जनता ने कही है। साफ तौर पर जनता ने विरोध किया है, कि ये भी बोला कि कमीशन खोरी का आरोप भी लगाया मैडम पर, रेखा यादव जी पर। जनता जो जनता के जिसको हम जनता का नाम दे रहे हैं ये तो कहना गलत होगा कि जनता पूरी ऐसा कह रही है। ये वहां पे निश्चित रूप से वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता होंगे जो इस तरीके के षड्यंत्रों में और आरोपों में शामिल है। रेखा यादव जी की जिस तरीके से उन्होंने उस क्षेत्र के लिए काम किया है, कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में ये डर है कि हम आगे जाके इस सीट को हारेंगे, इसलिए वो इस तरीके के आरोप लगाकर उनकी छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। तो पुष्पेंद्र जी आप हमारे साथ लाइन पर बने रहे, और मनोज जी आप भी हमारे साथ लाइन पर बने रहे। हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमने वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट कवरेज की हमारे रिपोर्टर्स ने, तो देखिए रिपोर्ट। इसी को आधार मानकर वो विधानसभा में दूसरी बार भी जा सकती है। विपक्ष की भूमिका निभा रहे कांग्रेस और बीएसपी के संभावित प्रत्याशियों की माने तो इस बार केवल बड़ा मलहरा विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश से भाजपा का सूपड़ा साफ होगा। बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में विधायक रेखा यादव जब से चुनी गई है तभी से क्षेत्र में भ्रष्टाचार कमीशनखोरी चरम पर है। यही नहीं, कई बार विधायक परिजनों पर शासकीय कर्मचारियों से पैसे वसूलने के आरोप भी लगाए गए हैं। विधायक की निष्क्रियता के चलते क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई जिसके कारण भाजपा और उनके प्रत्याशियों को क्षेत्र की जनता चुनाव के दौरान करारा जवाब देगी। रेखा यादव को जनता ने चुनके विधायक तो बना दिया, लेकिन रेखा यादव ने जो घोषणाएं की हैं वो एक भी घोषणाओं पे अमल नहीं किया है। वो 5 साल में एक भी गांव में जनता से मिलने के लिए अभी तक नहीं गई हैं। लोगों का तो ये मानना है कि अगर रेखा यादव को टिकट मिलता है तो रेखा यादव को गाँव में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। चूँकि रेखा यादव 5 साल तक यादव लोगों के भी संपर्क में नहीं रही, इस कारण से उन्होंने, सब लोगों ने मिलके, लोधी और यादव समाज ने मिलके रेखा यादव को वोट किया और रेखा यादव जीत गई। रेखा यादव ने कोई काम नहीं किया, जनता बहुत असंतुष्ट है। यदि रेखा यादव को फिर से पार्टी टिकट देती है तो जनता उन्हें नकार देगी और भाजपा की जो किरकिरी होगी इस बार वो जनता बताएगी। भाजपा का कहना यह है कि जितने बीजेपी द्वारा कोई विकास नहीं हुआ है, विकास का पैसा जनता के थ्रू ही जाता है। आज हमको आपको भी खजाने पर बिठा लीजिए और फिर कहिए कि आप विकास नहीं कर रहे, हमको बना दीजिए आप मुख्यमंत्री, तो आप हम शिवराज सिंह तो हमारे सामने कुछ नहीं लगेगा, इतना विकास करके दिखा देंगे हम। वही विधायक रेखा यादव से चुनाव के दौरान क्षेत्र की जनता से किए गए वायदों के संबंध में जब पूछा गया तो उनका कहना था कि बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र विकास के तौर पर अत्यधिक पिछड़ा है जिसके कारण यहां युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहे। जिस गति से क्षेत्र में विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, लेकिन विधायक रहते कई बड़े बड़े ऐसे काम किए हैं जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अधूरे छोड़ गई थी। 2 सालों में मतलब हमारे 90% काम हुए हैं जो शिक्षा को लेके हमारी सोच थी,
कि हर गांव हर मजरे तक स्कूल हो जाए, तो बच्चों के लिए स्कूलों की व्यवस्था हुई है इसमें, मतलब हमारा सरकार ने साथ दिया है और अधिकारियों ने भी साथ दिया है, जो भी काम हुए हैं सब उनके सहयोग से है। बाकी के बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, जब शिक्षा मिली और उनके लिए जो अभी तक सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं वो हम करवा सकें। तो मनोज जी और पुष्पेन जी दोनों, आप लोगों ने रिपोर्ट देखी है जी? अभी तो आप भी बताइए कि बीएसपी के जो हैं आपके आनंद सिंह बुंदेला, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा, मगर क्या सिर्फ दावों से काम चल जाता है? मनोज जी, जी मनोज जी, मैं ये कह रहा हूं जो बीएसपी के जो विधायक वहाँ पर घोषित प्रत्याशी हैं, वो वहाँ पर लड़ने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए मध्य प्रदेश का तो मैं बहुत विकास कर दूंगा, क्या सिर्फ दावों से काम चल जाते हैं? बीएसपी का मध्य प्रदेश में कहीं पर भी कोई जनाधार नहीं है। और दूसरी बात रही भारतीय जनता पार्टी की, जो ये आपके सामने महामंत्री जी बात कर रहे थे, कॉलेज के सिर्फ बोर्ड लगे हैं वहाँ पर, इन्होंने घोषणाएं की हैं, कोरी घोषणाएं की हैं, रोडों की हालत आपने देखी है वहाँ पर, और आपने देखा होगा कि कितना लोग पलायन कर रहे हैं। बात तो खुद रेखा यादव ने भी एक्सेप्ट की है कि वहां पर जो अति पिछड़ा क्षेत्र है वो वहां पर विकास नहीं हो पा रहा है, मगर वो फिर भी बोलती रही कि हमने 90% विकास किया है, तो 90% विकास दिखा कहां वहां पर? जनता पार्टी के झूठ का उदाहरण इससे ज्यादा क्या होगा कि इन्होंने शिवराज सिंह ने बड़ा मलहरा गोद में लिया था, इन्होंने कहा था कि इधर ये मेरी विधानसभा है, मैं इसको गोद लेता हूँ, और मुख्यमंत्री जिस विधानसभा को गोद ले तो आप जानते हैं उसकी क्या स्थिति होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं मतलब मुख्यमंत्री ने उस विधानसभा को गोद लिया, उसके बाद भी वहां पर विकास नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही है। तो बड़े ही उपहास वाली बात है ये कि एक बड़ा मुख्यमंत्री, मुखिया है जो पूरे प्रदेश को चला रहा है, वो अपने जो कमिटमेंट है अपने वादे पर पूरा नहीं रह पा रहा, तो आम लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे? देखिए इनके झूठे वादों की पोल खुल चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और बड़ा मलहरा के साथ साथ छतरपुर जिले की 6 विधानसभा जीत रहे हैं। इनके प्रत्याशी जो हैं इन भ्रष्टाचार में इतने लिप्त थे, इनके मंत्रियों की टिकट काटी गई हैं और इनके विधायकों की टिकट भी काटी जा रही है। हमारे छतरपुर जिले में इनकी इतनी बुरी स्थिति है कि बुंदेलखंड से इनको 24। एक सवाल मेरा आपसे, बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया, कांग्रेस थी 10 साल यहाँ पर, कांग्रेस ने क्या किया 10 साल में? जो विकास वहां पर दिख रहा है वो कांग्रेस की ही देन थी। इनमें बुंदेलखंड यदि पिछड़ा हुआ है तो सिर्फ इनके 10 साल के कारण पिछड़ा हुआ है। 10 साल यदि हम सत्ता में होते तो आप बड़ा मलहरा विधानसभा की स्थिति और कुछ होती। सिर्फ बड़ा मलहरा की बात नहीं कर रहा हूं मैं मनोज जी, क्योंकि पूरा प्रदेश है ये और पूरा देश है। एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 10 साल से कांग्रेस हमारे देश को चला रही है, और कांग्रेस अगर केंद्र में है तो राज्य तो उसके अंडर में ही है ना। क्या कांग्रेस को नहीं चाहिए, केंद्र सरकार को नहीं चाहिए कि वो हर राज्य के अपने आंकड़े पेश करे या देखे रिपोर्ट वहां की कि क्या स्थिति है वहां की? मध्य प्रदेश आकर सरकार रहती ना, तो इन्होंने क्या किया ये बताइए ना। केंद्र सरकार तो पैसे दे सकती है और क्या कर सकती है जी, केंद्र सरकार इन्होंने अपनी फोटो छपवाई, बिजली के बिल में फोटो छपवाई, इन्होंने फोटो छपवाई है, ऋण पुस्तिकाओं में छपवाई है, इन्होंने बस्ते बांटे हैं, ये सब जो हमारी केंद्र की गवर्नमेंट ने जो 18,000 करोड़ रुपए दिए उसका दुरुपयोग किया है। चलिए आप मनोज हमारे साथ लाइन पर बने रहे क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीएसपी के घोषित प्रत्याशी आनंद सिंह बुंदेला जी। आनंद जी, अभी हमने आपकी बाइट सुनी, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपकी बाइट सुनी, आप कहते हैं कि आपको अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप बहुत कुछ काम कर देंगे। मुख्यमंत्री नहीं जी, हमको विधायक बनना है। आपको विधायक बनना है, मगर आप उस बाइट में तो कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान ने कुछ भी नहीं किया और हमें बना दिया जाए तो देखो हम कितना काम करेंगे। वो तो सही बात है, जो मुख्यमंत्री रहता है अगर कुछ नहीं कर पाता 5 साल में जी जी, तो उसको मुख्यमंत्री रहना ही नहीं चाहिए भाई जी। 5 साल का बहुत समय होता है जी। आप हमको विधायक बनाएगी हमारी जनता तो हमारा काम देखिए क्षेत्र में जी। काम अच्छा, क्या क्या काम करेंगे आप वहाँ की जनता के लिए, कैसे आश्वस्त करेंगे जनता को? जो आज जनता की आवश्यकता होगी वो सब काम किए जाएंगे। क्या काम किए जाएंगे? सब काम तो है आज, जरूरत जनता की हर चीज की जरूरत है, मगर होता क्या है यहाँ पे विधायक साहिबा रेखा यादव भी यही कह रही थी कि हमने बहुत सारे काम किए हैं जी।
लेकिन अपन जो जनता की आवश्यकता सामने होगी पानी की और बहुत से ऐसी जनता की आवश्यकता रहती है जो छोटे छोटे काम विधायक लोग नहीं कराते जनता के, बड़े बड़े आदमी बड़े बड़े काम होते हैं बस, और छोटा लोग जो छोटे लोग होते हैं उनका अब तक कोई विधायक नहीं चुना है किसी ने छतरपुर जिले में। आनंद जी यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि वास्तविक वहाँ पर दिक्कतें हैं क्या? अगर आपने वहां का दौरा किया होगा, जानने की कोशिश की होगी, आप वहां से विधायक के लिए खड़े हो रहे हैं तो वहां पे आपने जानने की कोशिश की होगी क्या दिक्कतें हैं वहां की? वहां हमारे बहुत मूलभूत सुविधाएं नहीं है कुछ भी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी उपचुनाव में आए थे, उन्होंने बहुत सी घोषणा की थी, कुछ नहीं हुआ। पानी की हमारे इतनी दिक्कत है, बक्सवा एरिया में चले जाइए आप, हजारों एकड़ जगह असंचित पड़ी हुई है, वहाँ बड़े बड़े डैम बनना चाहिए जिससे आदमी को एक आय का साधन हो सके। हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा आदमी दिल्ली जाता है काम करने के लिए, तो सिर्फ इसी वजह से कि हमारे यहाँ क्षेत्र में ना तो खेती किसानी पे किसी भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और ना बेरोजगारी पे किसी ने ध्यान दिया। चलिए आनंद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वहाँ पर काम करेंगे या नहीं करेंगे तो वहाँ की जनता तय करेगी, जनता बताएगी अगले 5 साल बाद अगर आप जीत जाते हैं तो। तो फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आनंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे नेता जो इलेक्शन आते ही जनता के पास पहुंचते हैं और वोटों के लिए राजनीति करना शुरू कर देते हैं कि हमें वोट दीजिए हम जिताएंगे, वादे किए जाते हैं उसके बाद वादा खिलाफी होती है। जब वोट जब जीत जाते हैं चुनाव तो जनता को भूल ही जाते हैं। आखिर कौन सी जनता, कहाँ की जनता? ना उन्हें राशन की व्यवस्था मिल पाती है, ना उन्हें बिजली की व्यवस्था मिल पाती है, ना पानी की व्यवस्था मिल पाती है, ना सही सड़क मिल पाती है और ना ही रोजगार। तो कैसे बढ़ेगा ये देश, कैसे आगे जाएगा ये देश, ये तो बड़ा सवाल है अपने आप में। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए एसएमबीसी इनसाइट के साथ। एसएमबीसी इनसाइट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।